हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजी बी. माय सेल्फ खुशबू एंड मैं इस चैनल में DIYs एंड होम डेकोर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ. एंड आज मैं फिर से लेके आई हूँ मीशो होम डेकोर हॉल. अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ मीशो शॉपिंग हॉल शेयर किया था, जिसमें मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट क्विर्की स्टफ्स शेयर किए थे. तो आज अगेन मैं एक और वीडियो आपके साथ शेयर करी हूँ. तो इस बार के कलेक्शन किचन, डाइनिंग टेबल एंड सेंटर टेबल रिलेटेड आइटम्स हैं. एंड मैंने काफ़ी मेहनत की है सो दैट कि आपको मेहनत ना करना पड़े. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो हमारे कलेक्शन का जो फर्स्ट आइटम है, उसको आप किचन में भी यूज कर सकते हैं, आप उसे डाइनिंग टेबल पे भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसे एज अ होम डेकोर भी यूज कर सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट आइटम है ये. तो ये आप देख सकते हैं, ये कितना ही प्यारा मेटल का है. गोल्डन कलर से इसको स्प्रे पेंट किया गया है, बहुत ही प्यारा है. बेसिकली ये एक कटलरी होल्डर है, बट आप चाहें तो इसको एज अ प्लांटर भी आप यूज़ कर सकते हैं. कि इसके अंदर तो पानी नहीं रख सकते, बट कोई छोटा वास हो, बॉटल हो, तो उसके अंदर आप पानी फिल करके आप इसको रियल प्लांट्स के साथ डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें फेरी लाइट भी इंसर्ट कर सकते हैं एंड इसे डेकोरेट कर सकते हैं. आप चाहें तो इसे वास की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह हो, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो, तो उससे भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं. तो हमारा जो सेकेंड आइटम है वो है ये. देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है, ये देखिए क्वालिटी आप देख सकते हैं. चारों तरफ इस तरीके से दिया हुआ है एंड इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये सेलेक्ट किया है. आप और भी ऑप्शंस वहाँ पे देख सकते हैं. एंड इसको आप एज अ कटलरी होल्डर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे अपने डेस्क पे पेन होल्डर, पेन ऑर्गेनाइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. तो आप जैसे चाहें वैसे इसे डेकोरेट कर सकते हैं. अब जो थर्ड आइटम है, उसको भी आप अपने टेबल पे ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर किचन में भी आप इसे एज अ मसाला दानी यूज़ कर सकते हैं. तो थर्ड आइटम है ये, बहुत ही प्यारा सा है. प्लास्टिक बॉडी है बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. इसके अंदर ऐसे चार सेक्शंस बने हुए हैं, स्पून्स भी दिया हुआ है. एंड आप चाहें तो इसको एज अ माउथ फ्रेशनर ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. आप इसको अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं. तो काफी कूल लगने वाला है, स्टाइलिश है, सिंपल डिजाइन है, मिनिमल डिजाइन है, तो मुझे ये काफी अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आप चलिए देखते हैं, बहुत ही प्यारी सी चीज़ है, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है एंड प्राइस उतना ही कम है. मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये मैंने मीशो से मंगवाया है एक्चुअली में. तो वो है ये प्यारा सा ट्रे का सेट. ये सेट ऑफ टू है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि एक्चुअली में ये कैसा है. देखिए ये सेट ऑफ टू है एंड क्वालिटी आप देख सकते हैं. पीछे कुछ इस तरीके से दिया है सो दैट कि ये आपके जो सरफेस है, जो भी डेस्क वगैरह रहेगा, उसको ये स्क्रैच नहीं करेगा. एंड कुछ इस तरीके की क्वालिटी है इसकी. प्रिंटेड है, MDF है, बट बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है इसकी. फ्लफी. तो ये सेट ऑफ टू है, आप देख सकते हैं. प्राइस वाइज ये बहुत अच्छी डील है. इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिजाइंस, पैटर्न्स भी अवेलेबल थे, बट मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है. आपको मैं लिंक सारे शेयर कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग आप उसे परचेस कर सकते हैं. हमारा जो नेक्स्ट आइटम है वो बहुत ही प्यारा है एंड जिस पर्पज से बनाया गया है उसको, उस पर्पज से मैं इसे यूज़ करना नहीं चाहती एंड इनफैक्ट मैं करूँगी भी नहीं. वो है ये बहुत ही प्यारा सा ईवल आई रग. साइज़ काफ़ी डिसेंट है, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी नहीं है. रग के हिसाब से एक छोटा सा रग दिया है एंड प्राइस भी इसकी अच्छी है, अच्छा डील है. एंड मैं इसको एज अ रग यूज़ नहीं करने वाली हूँ, मैं इसको हमेशा एज अ डेकोर ही यूज़ करने वाली हूँ. लाइक मैंने कुछ सोच रखा है इसका, कुछ बनाने के लिए, कुछ एज अ डेकोर यूज़ करने के लिए, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. कॉटन की है, स्टिफ है, अच्छी क्वालिटी है, आप इसको एज अ डेकोर यूज़ कर सकते हैं. बट मुझे नहीं पता कि ईवल आई के ऊपर एक तरफ हम अपने दरवाजे पे इसे हैंग करते हैं कि नज़र ना लगे, एंड दूसरी तरफ हम इसे कैसे अपने पैरों के नीचे ला सकते हैं ना, तो वो चीज़ हो जाती है थोड़ा सा, वो ऐसे ऑस्पिशियस या स्पिरिचुअल कह लीजिए, तो वैसा हो जाता है. तो इसलिए मैं इसको एज अ डेकोर यूज़ करने वाली हूँ, मैं इसे एज अ रनर या फिर एज अ कारपेट नहीं यूज़ करने वाली हूँ. तो मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा. अब जो नेक्स्ट आइटम है वो है एक फ्रिज ऑर्गेनाइज़र. वो है ये कुछ ऐसा. तो ये एक बॉक्स है, कंटेनर है, एंड इसके अंदर आपको इस तरीके से चार सेक्शंस दिए गए हैं. एंड इसमें आप
अदरक, नींबू, मिर्ची, धनिया, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो खो जाती हैं, एंड उनके लिए अलग 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 बहुत सारे सेक्शंस लग जाते हैं एंड फ्रिज उसी से फुल हो जाता है, तो उसकी जगह पे आप एक ही डब्बे में अपनी सारी छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर हम चाहें तो इसे अपने ईयरिंग ऑर्गेनाइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक जो बड़े बड़े ईयरिंग्स वगैरह होते हैं तो उनको हम इन सेक्शंस में आराम से रख सकते हैं एंड बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। तो आप इसे एज अ फ्रिज ऑर्गेनाइजर या फिर एज अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट आइटम है वो बड़ी ही प्यारी सी एंड क्यूट सी चीज़ है, वो है ये डिप बोल्स। तो इसमें इस तरीके से हैंडल बना हुआ है एंड ये कम्प्लीटली सेरामिक का है, क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है एंड ये सेट ऑफ फोर है, तो आप इसको आराम से अपने किचन में एक छोटा सा स्पेस तो दे ही सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आइटम है वो बड़ा ही प्यारा सा क्लासी सा एक सेरामिक जार है, तो आप जहाँ भी इसे रखेंगे उस कॉर्नर को, उस सेक्शन को ये अपलिफ्ट ही करेगा, क्लासी ही दिखेगा। तो ये बड़ा ही सुंदर सा एक जार है, तो जो भी डिज़ाइंस वगैरह हैं वो इसमें एम्बॉस किया गया है, इस तरीके से इसकी लिड है एंड मिनिमल है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कलर्स वगैरह नहीं है। तो अगर आपको मिनिमल होम डेकोर पसंद है तो आप इस टाइप के आइटम्स को अपने घर में जगह दे सकते हैं। ये बताना मैं शायद भूल गई कि ये सेट ऑफ टू है एंड काफ़ी बजट फ्रेंडली प्राइस था इसका, बट मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है कि क्या प्राइस है। आइटम काफ़ी छोटी सी चीज़ है बट काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, लाइक किचन में हम बहुत सारे लोग वो जो पेपर टॉवल होता है वो रखते हैं, बट उनको रखने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होता, ऑर्गेनाइज़र नहीं होता, तो उसके लिए मैंने मंगाया है ये एक रॉट आयरन का ऑर्गेनाइज़र, लाइक ये स्टैंड है, इसके अंदर बस आपको अपनी जो पेपर टॉवल आती है उसका रोल यहाँ पर रख देना है एंड बस इतना ही करना है। किचन में एक कॉर्नर आपका बहुत अच्छे से अरेंज रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मेटल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पेंट वगैरह भी बहुत अच्छे से किया है। इनकेस आप बजट में कोई ट्रे ढूंढ रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो तो क्वालिटी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, तो ये ट्रे आपके लिए है, वो है ये, आप देख सकते हैं मेटल की ट्रे है, फ्लोरल प्रिंट है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये जो बैकग्राउंड है ये ब्लू कलर की है एंड इसमें ये फ्लोरल प्रिंट बना हुआ है। दो हैंडल्स दिए गए हैं सो दैट कि आप इजीली इसे यूज़ कर सकें एंड इसमें आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लाइक अगर आपको 10-12 लोगों के लिए भी पानी लेके जाना है तो आप आराम से इसमें कैरी कर सकते हैं, अगर आपको 2 लोगों के लिए चाय पानी स्नैक्स भी लेके जाना है तो आप आराम से इसमें एक बार में ही कैरी कर सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टर्डी है, मेटल की है एंड ऐसा भी नहीं है कि ये हैंडल निकलने वाला है, बिल्कुल फिक्स किया हुआ हैंडल है, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ एक केक स्टैंड शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल केक स्टैंड जैसा फील नहीं देता, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्लासी है, लाइक वो है ये, आप देख सकते हैं गोल्डन कलर से पेंट किया गया है, ये एक एक्स्ट्रा मेटल ट्रे दी गई है, प्लेट कह सकते हैं आप इसको, तो इसकी भी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, मतलब प्रोडक्ट की फिनिशिंग तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। रिव्यूज़ मैंने इसके चेक किए थे तो उसमें किसी किसी को अनफिनिश्ड प्रोडक्ट मिल गया था, बट वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे हो सकता है, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। आप देख सकते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, आप इसके नीचे भी कुछ डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा इसमें केक ही कट करना है, केक या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है, केक वगैरह कट करना है तो इसको आप एज अ केक स्टैंड यूज़ कर सकते हैं एंड ऑफ सीजन में आप इसको एज अ डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ये एक वाइट ऐसे मेटल की प्लेट मिलती है जिसको इसके ऊपर बस आपको सिंपली इस तरीके से रख देना है एंड इसको एज अ डेकोर यूज़ कर लीजिए या फिर एज अ केक स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक बहुत ही प्यारा सा सेरामिक जार, आप इसको एज अ पिकल जार या फिर एज अ डेकोर या फिर एज किचन में किसी भी स्टफ़ को रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये सेट ऑफ टू है, तो ये जो सेक्शन है इससे तो हम अपने बचपन को रिलेट करते हैं, लाइक नानी दादी इसमें अचार रखा करती थी, वो बड़ी बड़ी बर्नियाँ होती थी उनके पास एंड इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे एक फ्लोरल डिज़ाइन मिला हुआ है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है, थोड़ा यूनिक लग रहा है, थोड़ा हटके है एंड ये सेट ऑफ टू है, कम्प्लीटली सेरामिक है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप मेरा आज का ये शॉपिंग हॉल वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इफ येस डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।